नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ अजिकली और मेरे साथ है तारिक नियाजी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जा रहे हैं, खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो थोड़ी सी एंटरटेनमेंट के ऊपर है। आज की हमारी वीडियो है भूत पुलिस के ट्रेलर पे। नाम बहुत ही यूनिक है, दो चीजों से चलती, पैसा और खाली ऊर्जा है। कोई ऊर्जा नहीं है, ये जवानी का फ्रस्ट्रेशन है। तांत्रिक मनुष्य की रक्षा करने का जिम्मा मिला है, बाबा की पावन किताब है हमारे। अबे एम्ब्रॉयडरी के डिजाइन है ये और कुछ नहीं, ये सिर्फ हमारा बिजनेस, असली भूत प्रेत नहीं होते। तुमको देख के लगता नहीं कि तुम तांत्रिक हो? हम वो देख लेते हैं जो किसी को नहीं देखते। कौन सी कंडी? कंडी पहाड़ों की होती है, बहुत ही जटिल लोग जीतती आत्मा, और उस किचकंडी को भगाने की नग्न शास्त्र विधि करनी होगी, उसी से सर्वनाश होगा। हाँ ये बेस्ट होगा, लगन तो सबको बोला हमारे साथ दो किचकंडी। जो भी था वो बेड के नीचे था। बेड के नीचे भूतों की फेवरेट जगह। भाग जाओ, जान बचा लो अपनी, साक्षात मौत हो गई। सब अंधविश्वास है मेरे भाई। बिन जाने मान देना अंधविश्वास, लेकिन बिन जाने ठुकरा देना उससे भी बड़ा अंधविश्वास है भैया। डर लग रहा है? अरे हमारी जूती है। September 17 क्या बात है, मतलब कंप्लीट पैकेज है ना, एक कॉमेडी भी है, सस्पेंस भी है, हॉरर भी है, इसके अलावा एक्शन भी है थोड़ा बहुत। अच्छा कॉमेडी हॉरर, कॉमेडी हॉरर, हॉरर कॉमेडी मूवी, जो ज़्यादातर थीम थी साउथ की, साउथ की ठीक। हाँ यानी कि इस टाइप की थीम जो है अल्लू अर्जुन वगैरह को देखा है, साउथ साउथ की मूवी ज़्यादातर इस कॉन्सेप्ट पे बनती थी, बॉलीवुड जो है इस तरफ नहीं था। लेकिन अब अच्छा एक मूवी ऐसी थी पिछले कुछ टाइम में आई थी जो हॉरर तो नहीं थी, मतलब हॉरर ही समझ लें, भूल भुलैया, वो भी कॉमेडी हॉरर थी, अक्षय कुमार की, वो जिसमें विद्या बालन थी। हाँ, तो वो थोड़ी बहुत थी ठीक है ना। अच्छा ये मूवी से मुझे जो स्टोरी है 50% जहाँ से स्टोरी अटैच हो रही है ना, वो एक मूवी है उसकी उसकी काश्मूरा मूवी है। अच्छा। साउथ इंडिया की बहुत ही यानी यूँ समझ लो मेरी फेवरेट मूवी है, जिसमें वो होता है एक जाली बंदा काश्मूरा। अच्छा। जो जाली होता है तांत्रिक, लेकिन हाथ की सफाई जो करता है ना वो, ओ हो 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 हो, उसका जो इंट्रो है ना मूवी का स्टार्टिंग, आप यकीन नहीं करेंगे कि ये जाली भूत निकालने वाला बंदा है। उसके बाद वो किसी चक्कर में फंस जाती है पूरी फैमिली उन्हें। अच्छा पूरी फैमिली ही जादू भूत निकालने वाली होती है, लेकिन पूरी फैमिली ही किसी चक्कर में फंस जाती है। कमाल की मूवी है। अच्छा ये 100% तकरीबन वहीं से इंस्पायर है कि ये तो पहले तो लोगों को चालबाजियों से बेवकूफ़ बनाते हैं ये दोनों, सैफ अली खान और अर्जुन कपूर, फिर उसके बाद ये किसी चक्कर में सच में ही भूत के चक्कर में पड़ जाते हैं। अच्छा ऐसी बहुत सारी मूवीज हैं, आप सही कह रहे हैं, लेकिन मुझे राजकुमार की भी एक मूवी याद आ रही है जिसमें छुड़ैल वगैरह होती हैं।
हाँ, वो जो आपने, लेकिन वो तो हॉरर ही थी ना, वो हॉरर थी, वो प्योर हॉरर, स्त्री, स्त्री बहुत ही कामयाब, मतलब अब मैं देख रही हूँ इस टाइप की मूवीज बनना स्टार्ट हुई है हॉरर, क्योंकि रिस्पांस अच्छा आ रहा है, पब्लिक पसंद करती है, तो अच्छा थोड़ा सा चेंज है ना, थोड़ा चेंज, लव 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 लव, तो थोड़ा सा एक रूटीन की से हटके मूवी है, और एनिमेशन ग्राफिक्स का काम कमाल का है। मैं, मुझे बॉलीवुड से ये शिकायत रहती थी, या मुझे बॉलीवुड की इतनी ग्राफिक्स अच्छी नहीं लगती, स्टोरीज, एक्शन, ये सारी चीज़ें तो चल जाती हैं, कैमरा, वीडियोग्राफी, एक्टिंग, सब कुछ परफेक्ट होता है, लेकिन हमारा बॉलीवुड जो है ना, साउथ इंडिया तो ग्राफिक्स में कमाल है, बाहुबली और ये अच्छा यमी गौतम जो है, मैंने देखा है काफी लॉन्ग टाइम के बाद अब मैं देख रही हूँ कि बड़ी स्क्रीन पर अब दिख रही है, ऐसा ही है। और इसके अलावा जैकलीन तो चले ठीक है, मेरी फेवरेट आती रहती है, लेकिन सैफ अली खान भी सिलेक्टेड मूवीज करते हैं, और सैफ अली खान ने भी मुझे लगता है लॉन्ग टाइम के बाद ये मूवी करी है। अर्जुन कपूर भी साइड रोल्स वगैरह में ज्यादातर आते रहते हैं या कर लेते हैं, मैंने भी बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन कह सकते हैं कि एक हॉरर कॉमेडी और सुपर हिट मूवी कह सकते हैं, यानी कि ये मूवी मतलब है कि थोड़ा सा इन्होंने चेंज किया होगा काशमूरा से, लेकिन ये है कि कमाल कमाल अच्छी है, ज़बरदस्त है, एनिमेशन ग्राफिक्स अच्छा है, एक्टिंग अच्छी है, और गेटअप अच्छा है, इनका लुक अच्छा दिया इन्होंने, सैफ अली खान का लुक चेंज दिया इन्होंने, और मतलब मुझे इंतज़ार रहेगा और वाकई ये देखने के काबिल है ये मूवी, और एक्टिंग की तो हम कुछ बोल ही नहीं सकते, एक्टिंग के लिए तो वो कॉमेडी भी बहुत अच्छी करते हैं, एक्शन भी बहुत अच्छा करते हैं, तो मतलब एक्टिंग तो लाजवाब ही होती है, यानी इस मूवी में हम डर डर के हंसने वाले हैं, या हंस हंस के डरने वाले, हंस के डरने वाले, क्योंकि पहले हंसना है फिर डरना है, हंस हंस के डरने वाले, हंस हंस के डरने वाले। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ये